सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर मिलकर एक नए सीरीज का पूरा कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया है, जहां भारत बनाम श्रीलंका के बीच एक सीरीज घोषित और फाइनल हो चुकी है। दरअसल फिलहाल टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर मौजूद है, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद टीम इंडिया बांग्लादेश दौरे पर जाएगी और बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया एक रोमांचक और जबरदस्त सीरीज खेलेगी। लेकिन उस सीरीज के खत्म होने के तुरंत बाद टीम इंडिया को अब श्रीलंका के खिलाफ एक बेहतरीन सीरीज खेलना है, जहां इस बार श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, यानी कि श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया 2023। दोस्तों यह सीरीज जनवरी 2023 में ही खेली जाएगी, साल 2023 के बिल्कुल शुरुआत में ही खेली जाएगी, जहां इस बार श्रीलंका के भारत दौरे पर 3 ODI और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। श्रीलंका के भारत दौरे पर इस बार कोई भी टेस्ट मैचों की श्रृंखला नहीं खेली जाएगी, जहां आखिरी बार श्रीलंका की टीम ने भारत का दौरा किया था साल 2022 में फरवरी और मार्च के महीने में, जहां 3 T20 और 2 टेस्ट मुकाबले खेले गए थे और पूरी सीरीज भारतीय टीम ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया था, T20 और टेस्ट सीरीज हरा दिया था। लेकिन इस बार श्रीलंका के भारत दौरे पर कुल 6 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें 3 T20 और 3 ODI मैचों की सीरीज होगी। तो भारत बनाम श्रीलंका के बीच जो 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी, ODI श्रृंखला काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ODI श्रृंखला में भारतीय टीम के स्क्वाड में एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ साथ काफी युवा खिलाड़ी को भी मौका दिया जाएगा आगामी वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों के लिए, जहां वर्ल्ड कप 2023 इस बार ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा 50-50 ओवरों का और सबसे बड़ी बात कि भारत में ही खेला जाएगा। तो वर्ल्ड कप 2023 के अभियान की शुरुआत टीम इंडिया अपनी शुरू कर चुकी है। तो इस सीरीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, जो जनवरी 2023 में खेला जाएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।